भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नोएडा स्टेडियम स्थित इंडोर स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु सिक्योरिटी सॉल्यूशन द्वारा व्हील चेयर और एक्सक्लूसिव बास्केटबॉल प्रदर्शनी मैचों का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों तथा स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि इन खिलाड़ियों में भविष्य की बहुत संभावनाएं छुपी है। यदि इनको पर्याप्त सुविधाएं एवं सहयोग प्राप्त हो तो वह दिन दूर नहीं जब इनमें से कोई खिलाड़ी ओलंपिक कॉमनवेल्थ में देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से आह्वान भी किया कि इन सभी खिलाड़ियों को दिव्यांग खिलाड़ी कहने के बजाय विशेष खेल एवं फिटनेस एम्बेसडर के तौर पर संबोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का सच्चा प्रमाण है कि यदि लगन और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आयोजन समिति के सदस्य अमित सिंह ने भविष्य में भी इस प्रकार का आयोजन करने का आश्वासन दिया है और साथ ही सभी ने तालियां बजाकर उनका हौसला भी बढ़ाया है। मैं 2016 से खेल रहा हूँ और 2017 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फर्स्ट टाइम जो इंडिया की फर्स्ट टीम गई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हिस्ट्री में कभी भी इंडिया की टीम नहीं गई। अभी आगे क्या गोल टारगेट है आपका? आगे मैं चाहता हूँ कि जो जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, वो उन क्लब्स में खेलूँ और उनकी टीम से प्रेजेंट करूँ, क्योंकि मेरा एम यही है कि मैं बाहर की कंट्री से खेलूँ और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत हाई होता है यहाँ के मुकाबले और यहाँ के प्लेयर्स एक्स्ट्रा लेवल के होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ हैं तो वो यहाँ है, एडवांस उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कहीं चांस मिले तो मैं बाहर खेलूँ। मेरे को करीब 5 से 6 साल हो गए हैं बास्केटबॉल खेलते। बचपन से ही मैं अपने स्कूल में मैंने बास्केटबॉल खेलना चालू कर दिया और अपने डैड के साथ बहुत खेला है। इन सब के साथ मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आता है इन सब। सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे महानतम खिलाड़ी पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। मैं यहाँ आकर के बहुत ही खुश हूँ और जिस तरह के कंसेप्ट को वरुण अहलावत जी ने यहाँ पेश किया है, हमारे जो दिव्यांश बच्चे हैं उनका व्हील चेयर बास्केटबॉल मैच करा करके और उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने जो एक इंक्लूसिव मॉडल को पेश किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। सबसे ज़रूरी आज की ज़िंदगी में एक्सरसाइज है। जो एक्सरसाइज करेगा वही सफल जीवन जिएगा। जो स्पोर्ट्स में, योगा में और विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्ट लेगा वही एक तंदुरुस्त जीवन को भोग सकता है। किसी के सिर्फ हम ने अपना कैरियर जो है फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से शुरू किया है और वहाँ का एक मोटो है शरीर माध्यम खलु धन साधनम। शरीर ही एकमात्र एक ऐसा माध्यम है जो संसार के सभी धर्मों को प्राप्त करता है। इसलिए हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है और अच्छा जीवन जीना है। अच्छा सर, आपने इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को बनाया है, देखा है, क्या लगता है कि यहाँ में कोई बच्चा ऐसा था प्लेयर जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल में अभी जो इंटरनेशनल खेल चुका हो तो ही और अच्छा खेल सकता है? नाम है, बच्चों ने बहुत अच्छा खेला है और क्योंकि हम तो गेम का आनंद ले रहे थे जी, टैलेंट स्काउटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बच्चों की फिटनेस है, जो बच्चों ने प्रदर्शन किया है वो बहुत काबिल तारीफ रहा। नेशनल स्पोर्ट्स डे पे व्हील चेयर और इंक्लूसिव इवेंट का आयोजन किया गया। बहुत ही शानदार इवेंट था और बच्चों की एनर्जी बहुत ही अच्छी थी। बहुत मेहनत करी है बच्चों ने इस गेम को लेकर के और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज नेशनल स्पोर्ट्स डे पे सभी खिलाड़ियों को और पूरे देशवासियों को। बहुत अच्छा एक आयोजन देखने को मिला हमें नोएडा स्टेडियम में। बहुत बहुत थैंक यू। सडनली अब यहाँ पे हमने एक इंक्लूसिव व्हील चेयर बास्केटबॉल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक सपोर्ट ऑफ
सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसमें हमारे अमित जी यहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, पूरा बड़ा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब की तरफ से ही स्पॉन्सर किया है। एंड एक कोविड के बाद ये पहला है जब हम एक ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन मैच में सभी बच्चों को लेकर आए हैं। फहीम हमारे यहाँ हेड कोच हैं, इसमें ऋषभ असिस्टेंट कोच और वंश सभी हमारे असिस्टेंट कोच हैं, और जो हमारी मेरी मेंटरशिप में ये सारे बच्चे इसको कर रहे हैं। एंड इससे बड़ा बच्चों के अंदर जो एक इंक्लूजन, एक कोहेसिवनेस एंड एक पीसफुल इको सिस्टम, मतलब उसकी तरफ हम इससे भरते हैं। एक एनहेंस तो हुआ ही है कोहेसिवनेस, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आज इंडिया में है। और स्पोर्ट्स की एक ऐसा मीडियम है, एक पावर है स्पोर्ट्स की, जो लोगों को जोड़ता है और एक विल देता है खेलने की, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, एक हेल्दी मिशन की तरफ हमें ले जाता है। तो हमारी भी अल्टीमेटली यही है कि हमारे जो नेशन है हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट एंड वेयर लोगों के अंदर एक खुद ही कॉन्फिडेंस। और सर अभी लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे पे क्या मैसेज देंगे देश को और स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सभी को? नेशनल स्पोर्ट्स डे पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए, मैक्सिमम लोगों को इंक्लूजन को एनहेंस करना चाहिए। लेट्स डिनाई नो वन। दिल्ली NCR के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए।